दोस्तों, प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है। दुनिया के भीड़ में, इस भीड़ के भेड़ में, भेड़ जाल में, इस शोर में आप सुनते नहीं, और इस अद्भुत हृदय की वीणा को आप जिस दिन सुन लेंगे, आप बुद्ध के भांति ठहर जाएंगे। आप ठहर जाओ, वो जैसे बुद्ध ने कहा, ठहर जाओ और ठिठक जाओ। क्या अद्भुत प्रकृति की के द्वारा हृदय की वीणा बजाई जा रही है। प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है। आपकी बांस, आप तो बांसुरी है और इसके माध्यम से छंद बह रही है और दुनिया के द्वंद में आप फंसे हैं। दोस्तों, प्रकृति आपसे इंद्री के पार का अनुभव देना चाहती है। वह ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती है। इंद्रियां जितने भी आपको सेंस हैं, 5 सेंस हैं, वह आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वह जो प्रकृति की हृदय की वीणा है जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। जैसे सोनल मानसिंह, बहुत बड़ी नेतांगना, उनका पांव कट गया और वह नकली पांव भी असली पांव की तरह थिरकने लगी। यह तभी हो सकता है जब वह प्रकृति के वह अनहद नाद को सुनी होगी। वो जैसे ब्रेन लुई अंधेरे के कुरुक्षेत्र में उतरा, अंधे हो गए थे, अंधेरे के गर्भ से रोशनी खींच लिया और ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिए। तो दृश्य तो उनके सामने जो स्थिति है तो आफत है, लेकिन हृदय की बिना बजाओ तो अवसर ही अवसर छलक रहा है। इसी विषय पर मैं एक छोटी सी कविता रखूंगा कि प्रकृति आपको भेज रही है पांती। पांती मतलब पत्र। मैं पांती पर पांती भेज रहा हूं, साथी तुम कब आओगे। तुमको भेज रहा हूं फूलों के रंग से, भवड़ों के गुंजन से, जेठ में उठती पुकार से, सावन में छलकती फुहार से। मैं पांती पर पांती भेज रहा हूं, साथी तुम कब आओगे। मैं भेज रहा हूं शब्द की प्याली में शून्य का जाम। मैं भेज रहा हूं शब्द की प्याली में शून्य का जाम। हां मैं तुझे भेज रहा हूं पैगाम। हां मैं तुझे भेज रहा हूं पैगाम। मेरे शब्द में उलझो नहीं, मेरे शून्य में बहो, शून्य को पियो और जियो। पांती पर पांती मैं भेज रहा हूं, साथी तुम कब आओगे। तो प्रकृति के को की अनहद नाद को सुने और ये फ्लो जो बह रहा है वो बहे, न कुछ कहे न सुने, वो बहे। या बह रहा है फ्लो, ये आपको ग्लो कर रहा है और आप ग्लोरियस हो रहे हैं, आप ग्लोरियस हो रहे हैं। आप इस धरा पे संवाद कहने आए हैं, विवाद में न फंसे, आप समदिया हैं। प्रकृति कि अद्भुत प्रकृति आपसे कुछ कहना चाहती है और उसको आप सुने और उसको बहने दे। धन्यवाद।